और गाइस अब हम पहुंच चुके हैं लोंगे वाला। याद करो कुर्बानी, आप लोंगे वाला के पवित्र युद्ध स्थल पर कदम रखने जा रहे हैं, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने खून से सींचा। यह युद्ध स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चटे ये आर्मी का टैंक वगैरह है, यो टैंक खोल को जो बता अपनी आर्मी में कौन है, और यो टैंक है पाकिस्तान वाला को, जो कि वो युद्ध हो जदी आपा कब्जो करना क्या हो जी होती है। खुशियो तो को खुशियो वागानो को खुश ना जो आपने सही बतो यो पाकिस्तान को किसान। ये देखो इका बात करी मैं, यही बात है पाकिस्तान को कहीं देख रहा, कहीं देख रहा, कहीं देख रहा। चलो भाई पहले बहाने पानी वानी पिला और मारा शाम खिटन खिटन खिटे आटे हो और चार्ज वगैरह देना पीड़ के नहीं देखो मेरे कही रहा। मैं भी निकल जाऊंगा, मैं भी देखू लाटू तो मैं भी देखू आज निकल गयो, मैं भी आ जाऊं। आ जा भाई, रो यार आर्मी का टैंक वगैरह फुड़िया दिखा और वो की मेडिकल को सिस्टम वगैरह है दिखा और यार बानी ये तोपा वगैरह अंदर अब चाल जो शूट करवाया ना आपा भाई लोग का महीनो आप आधो शूट कर लियो आधो और बाकी है जो देखा देख रही यहाँ के खट्टे करा या तो सुबह पहले कह रहा बिल्कुल दन उगता दिखो डोबो कट भेज रहे हैं ना डोबो या बच्चे कह रहा बानो इस देखा देखा टाइम मिल जाए तो पर जटे शूट करनो वो माकूम बानो है 111 किलोमीटर दूर और फिलहाल मैंने यहाँ अरे बानो आप हाँ जी को कहीं नाम है रहा जितेंद्र हवलदार दयानंद रामवीर चक्र की बदौलत वीर चक्र से सम्मानित है, इनकी बदौलत बटालियन राजपूताना राइफल्स में थे ये सिपाही बिशनदार सेना मंडल पंजाब पंजाब रेजिमेंट ये भी पंजाब रेजिमेंट 23वीं बटालियन सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट मशीन गन पर कब्जा किया था पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर किया था कुल मिलान अगर आप जैसलमेर आओ कभी ये चीज जरूर देखना, लोंगे वाला जरूर आइयो। जटे कुछ पुरानी याद आठा की पहली ये है अरे और बताओ नरा सामान फिड़िया दिखा और ये वरना तिरंगा लहराता हुआ
हमारे भारत के कई वीर सपूतों ने इस तिरंगे को लहराने के लिए हमारे भारत के कई वीर सपूत शहीद हुए थे। कृषक विमान और यो T-55 टैंक, T-55 मैन बैटल टैंक MBT को 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और 1971 के युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। चार चालक दल के सदस्यों और 100 मीटर तोप की क्षमता वाला 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चों पर फाजिल का सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक था। यो है इंग्लिश में, आप इन आटे वीडियो और रोकन देख लीजिए। खाकी इंग्लिश तो मैंने भी नाम है इंग्लिश हूँ, आप बड़े जाएंगे 36 को आंकड़ो। और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 के अंदर युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पर हमारे इंडिया ने विजय प्राप्त की थी। उसको हमारे को दिखाने के लिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान वाले डर के मारे यहीं पर छोड़ गए हैं, वो दिखाने के लिए यहाँ पर रखी हुई है सेव करके, और हम यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो एक बार जैसलमेर आना, ये जरूर देख के जाना, ये रियल चीज है। 36 टैंकों पर हमला किया, उनको तबाह कर दिया, रियल चीज है। यहाँ पर पड़ी हुई सभी चीजें रियल हैं, ये कोई ना तो यो इक्का बारह में मैं आपने बोल इंग्लिश में कह रही हूँ, भी इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। ये इफाड़े हिंदी में भी है, मैं आपने बताऊँ पूरा, है ना। अब आपने पढ़ रहा हूँ, 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हंटर एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर हवाई अड्डे के स्टेशन से उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करके उन्हें बर्बाद किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जीत हुई। तो भाई लोगों, इको भी बहुत बड़ो हाथ हो युद्ध जीत बा का मामला में, मजो आओ यार ईशान इतिहास की चीजा बनबो मेलबो। और ये देखो आप पूरी टीम ने इतिहास में रुचि है, आप 1940 के लाहौर प्रस्ताव ने 1940 के लाहौर प्रस्ताव ने 1956 में पाकिस्तान के गठबंधन की परिकल्पना की। पाकिस्तान का गठन 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो भागों पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के साथ किया गया। अच्छा पाकिस्तान के गठन की, हाँ अच्छा, पेशेवर और ढाका ने यू मिला बागो, है ना, 1300 किलोमीटर को यो रास्तों दे रिया ना, आप जो किताब बनाना वो बच में रास्तों दे रिया। ये पेशेवर मतलब ये पाकिस्तान हूँ, ढाका बांग्लादेश, यो एक गेलो दे रिया किसान की, हाँ ये आकृति देखो कुत्ता की नहीं। और ये आदमी का और रास्तों दे देता तो आप और दुख ज्यादा दुख बात। ये आदमी का कारण भारत पाकिस्तान अलग हो, मोहम्मद अली जिन्ना यू है। अच्छा। और ये रेड क्लिप जो नाम है अपने भारत पाकिस्तान की जो रेखा है ना बॉर्डर की, उसको रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। सुखा आदमी की मनमई भारत पाकिस्तान की यही चक्कर है भाई। ऑपरेशन सनलाइट 20 शताब्दी का एक महत्वपूर्ण अभियान था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों नागरिकों को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया और प्रतिरोध आंदोलन को दबाने के लिए नदियों में फेंक दिया गया। और बांग्लादेश आर्मी की जैसे भी आपने बता दो रेग टेक लिबरेशन फोर्सेस में पूरी बांग्लादेश के छात्र किसान कार्यकर्ता और नौकर साथ शामिल थे जो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए उठे थे। और ये लिखे देखो मुक्ति जोड़ास बिटवीन द ऑपरेशन ये कंप्लीट की दोगे और जिस चला रहे देखे इंडियन आर्मी। हालांकि व्लॉग काफी लंबो है क्यों, लेकिन अगर आप प्यार हो देखो हर एक चीज ने गौर गौर कर देखो, स्किप मत करियो। ये 1971 अच्छा लोंगे वाला इन 1971 में लोंगे वाला ये ऐसा था। और अब आप देख सकते हो ये पीछे का नजारा, दिस इज लोंगे वाला। कुछ ये है, अगर आप पढ़ गयो है ना आराम वीडियो पॉज कर ये चीजा पढ़ गयो आप। और ये
यू आदमी रियल ये अखी नाम है 5 दिसंबर आत्मा सिंह मैं सुनो 5 दिसंबर 1971 के दिन के उजाले तब दिन के उजाले तब भारतीय वायुसेना प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम थी जिसमें मेजर आत्मा सिंह है जैसा कि एक HFL कृषक विमान में देखा जा सकता है के नेतृत्व में एयरबोर्न फॉरवर्ड एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट द्वारा टैंक लक्ष्य पर निशाना साधा गया ऑब्जर्वेशन तो अच्छा हाँ भाई लोग ये देखो आप ये 6 और ये भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ियो यू नहीं वो अच्छा हाँ वो यदि आप सामाजिक विज्ञान में आता युद्ध वगैरह के बारे में यदि आप सन वगैरह याद नहीं रहता आप घबराता कि भाई यार ये सन किसान याद रखा कही है ये सन याद नहीं रह जाए दिनांक याद नहीं रह रही लेकिन एक बार जब आप यानी आपकी आंखें देख ले वो तो आपने सब याद हो जाए कहीं ने अपनी आर्मी आपने लिखी चीज आप जिस चीज ने फील करा ना जिन देख लाना वो चीज हमेशा याद रहे तो मारो खेबो ये अगर आप कोई भी भाई लोग अगर मारा जिसान है जिन्हें कहीं भी चीज हड़ा याद न हो पढ़ पढ़ था लेकिन याद न हो रटन भी दिया करनी पड़े एक एक लेने रटनी पड़ रही है तो आप एक काम कर सको ये चीज है ना आप रियल में आन एक बार देखो कोई दिन टाइम निकालो कि भाई फ्री टाइम और जिसान की गर्मी की छुट्टी है वह आओ आप यानी देखो और देखो कि आपने सन भी याद हो जाए और आपने दिनांक भी याद हो जाए और कोई ना सबका नाम भी बढ़िया प्रॉपर दंगू याद रखा कि ना आप देखे देखो देखी दी की चीज़ ने कभी भूल ना सका है क्या ठीक ले लिया आप उस जगह कदम रखने जा रहे हो जहाँ हमारे वीर सपूतों ने अपने युद्ध स्थल ले लिए जिन्होंने अपने खून से सींचा है और वाकई में टान उनको वो फील हो रही है जैसा की ये देखो आप यो भी पाकिस्तानी वाला ना कोई सीनियो पाकिस्तानी की अतरी बड़ी फाटगी ही ने कब वह हर सामान ने जटे का जटी छोड़ और भाग गया ने आप खोसिया कौन है दरअपन भाग गया वह पगी नटे क्या होगा लगी का भागता नजर आया एक आटे एक गाड़ी पड़ी है या यो की ट्रक व्रक होगा को वो भी पाकिस्तान वाला को यही होगा आप झंडो देख सको यो को झंडो ये आटी छोड़ने भाग गया वह यो टैंक ये कायदे में कुटिया वाने यो टैंक आटी छोड़ने भाग गया वह अटने भाग गया 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर बाद अटने पाकिस्तान स्टार्ट है यो आटे पड़ी है अभी ठीक करके देता हूँ। लौट कर पाना दे और यार ये कहीं मजबूत आता है यार ए माकड़ तोंडे जी हाँ ये चालू हो जाएगा ना सब पट हो जाएगा पापड़ हो जाएगा इसके नीचे और अच्छी बॉय ने रो भाई ये कभी ठीक नहीं हो रहा ठीक हुई को ना मेरा बाप मैं ठीक हूँ